कायद आजम के यौम विलादत के मौके पर जमीन न्यूज के दफ्तर में रंगारंग तकरीब। मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपनी टीम के हेड जैगम रजी भाई का कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया हमें। जमीन पे सजदा करके माथे पे निशान तो बना लेता है जमाना, यारों को ऐसा इबादत गुजार पाकिस्तान को मिले जो जमीन पे निशान कर दे। पाकिस्तान जिंदाबाद ऑफ कोर्स 25 दिसंबर मेरे कायद का दिन। जमीन चैनल जो है ये इसको हाईलाइट कर रहा है, करना चाहिए, इसलिए लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए। फादर ऑफ नेशन कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का यौम विलादत है और कायद आजम ही का एहसान है कि आज हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान हम सब दुनिया में पहचाने जाते हैं। बानी पाकिस्तान कायद आजम के 144वें यौम पैदाइश के मौके पर जमीन न्यूज के दफ्तर में एक रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मारूफ समाजी सियासी और शोबिज से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की और कायद आजम की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर अपना इजहार ख्याल किया। मारूफ शख्सियात का कहना था कि कायद आजम की अनथक मेहनत की बिना पर आज हम आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। आज 25 दिसंबर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान का यौम विलादत है और बड़े जोश व खरोश से पूरे मुल्क के अंदर मनाया जा रहा है। ज़मीन न्यूज़ और जो है ज़मीन वेब टीवी भी इस तकरीब को सेलिब्रेट कर रहा है और आज यहाँ पे केक कटिंग सेरेमनी रखी गई है कि ताकि हम अपने बानी पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश कर सकें। आज कायद आजम का जाय पैदाइश है और कायद आजम ने ही इस मुल्क की बुनियाद रखी थी और पाकिस्तान के हवाले से ये बहुत अहम दिन है और मैं ज़मीन की पूरी टीम, ज़मीन न्यूज़ और जो आपका वेब चैनल है और खसूसन ज़ैगम रज़ी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने एक अहम इवेंट का बंदोबस्त किया और यहाँ पर सब सेलिब्रिटीज़ को इकट्ठा किया। मारूफ समाजी शख्सियत अयाज मेमन मोतीवाला, मीडिया इंडस्ट्री की मारूफ एंकर उज्मा ताहिर, गोबिस के ब्रांड मैनेजर फैसल रहमानी और दीगर मारूफ अदाकारों का कहना था कि कायद आजम की शख्सियत और उनके अकवाल हमारे लिए मशाले रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपनी टीम के हेड जैगम रजी भाई का कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया हमें और उसके बाद क्योंकि आज जब हम ट्रिब्यूट देने जा रहे होते हैं कायद को तो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना तो ये तो एक ऐसा नाम है जिसने इस मुल्क को एक नाम दिया पाकिस्तान, तो आज हम जितना भी मतलब खराज अकीदत पेश करें वो कम है। ज़मीन पे सजदा करके माथे पे निशान तो बना लेता है ज़माना, यारों को ऐसा इबादत गुजार पाकिस्तान को मिले जो ज़मीन पे निशान कर दे, तो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना हमारे लिए इंस्पिरेशन है। मेरी ज़िंदगी में अगर मैंने ज़िंदगी में किसी को कामयाब होकर किसी मुआशरे में रियासत की आज़ादी के लिए रियासत बनाने में अपने किरदार को एज ए इंटरनेशनली तालीम हासिल करके किसी वतन की आज़ादी के लिए काविश करते हुए देखा तो वो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह थे। पाकिस्तान जिंदाबाद ऑफ कोर्स 25 मेरे कायद का दिन। लोग अक्सर कहते हैं आपने पाकिस्तान में क्या कमाया, मैंने कहा नाम, शोहरत, इज्जत, दौलत पता नहीं वो तो नसीब की होती है, लेकिन आज के दौर में अगर आपको नाम मिलता है, शोहरत मिलती है तो बहुत बड़ी चीज़ है। जब कायद ने हमें मुल्क दिया था ना उसने हमें साफ वे में एक चीज़ दे दी थी, आगे हमने इसको कितना संभाला। मशहूर फनकार और मुजस्मा साज मंसूर जुबैरी का इस हवाले से कहना था कि आज के नौजवानों के लिए कायद आजम एक बेहतरीन नमूना है। जमीन चैनल जो है ये इसको हाईलाइट कर रहा है, करना चाहिए, इसलिए लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए कि हमें यहाँ पे क्या हमारे अंदर खामियां हैं। हम अपना मवाजना खुद करेंगे तो तरक्की कैसे नहीं होगी, और हम अगर जेन्युइन तौर पे अगर हम अपनी यूथ को लेके चलेंगे और उन्हें बताएंगे कि पाकिस्तान बना कैसे है, उसमें क्या क्या दुश्वारियाँ आई हैं। तकतीब के आखिर में कायद आजम की सालगिरह का केक काटा गया और चीफ एडिटर जमीन न्यूज ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। फादर ऑफ नेशन कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का यौम विलादत है और कायद आजम ही का एहसान है कि आज हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान जिसने हमें नाम दिया, इज्जत दी दुनिया भर में, एक आज़ाद मुल्क आज़ाद शहरी की हैसियत से हम सब दुनिया में पहचाने जाते हैं, तो कायद आजम की आज हमने इसीलिए यहाँ पे केक कटिंग सेरेमनी भी रखी जिसमें तमाम दोस्त आए। मैं इन सबका भी मशकूर हूँ, जितने भी दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं ये सब हमारी टीम है ज़मीन न्यूज़ की, तो एक टीम वर्क है, सब मिलकर इंशाल्लाह काम करेंगे। तकरीब में मशहूर और मारूफ शख्सियतों के साथ साथ ज़मीन न्यूज़ की पूरी टीम ने शिरकत की। कैमरामैन वलीद के साथ आसिफ नफीस, ज़मीन न्यूज़, कराची।